फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये जो स्क्रीन पर आपको एस्थेटिक सा केक दिख रहा है, अच्छा लग रहा है ना? तो आज हम इसे स्क्रैच से बनाएंगे और डेकोरेट करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बेकरी स्टाइल केक बनाने के लिए प्रोफेशनल टूल्स की ज़रूरत होती है, नहीं तो आप नहीं बना सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बिना किसी प्रोफेशनल टूल के भी, यानी किचन में इजीली अवेलेबल सामान यूज करके, आप बिल्कुल बेकरी के जैसा एस्थेटिक केक बनाना बताऊंगी, और बिल्कुल सिंपल वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। केक को हमें गैस पर बेक करना है, तो इसके लिए सबसे पहले एक चौड़े मुंह का बर्तन लेंगे और इसमें एक कप नमक डालकर इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें इस तरह का स्टैंड रख देंगे, और अगर स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी प्लेट को उल्टा करके रख सकते हैं, और इसे ढक देंगे और हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। अब हम केक टिन को भी रेडी कर लेते हैं। केक टिन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगा देंगे। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा डालकर डस्ट कर सकते हैं। अब हम एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी, 3/4 कप दूध, और दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसे मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, 1/4 कप मिल्क पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। इस तरह से हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी है। अब एक छन्नी में डालेंगे 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चुटकी नमक और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसे हम अच्छे से छान देंगे। छानने के बाद हम वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि एक स्मूथ बैटर बन जाए। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस और 1.5 बड़ा चम्मच सफ़ेद सिरका, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा बैटर रेडी है। इसे हम पहले से प्रिपेयर केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब पूरा बैटर डालने के बाद केक टिन को दोनों हाथ से पकड़कर 2-3 बार हम टैप कर देंगे ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रहे, और फिर इसे प्री हीटेड वेसल में डालकर बिल्कुल धीमी आंच पर 45-50 मिनट्स के लिए हम इसे बेक करेंगे। अब इसे हम प्री हीटेड वेसल में डाल देते हैं और ढक देंगे, और बिल्कुल धीमी आंच पर हमें बेक करना है। 45 मिनट्स के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब इसे निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। अब एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम, और इसे व्हिप कर लेंगे जब तक कि सॉफ्ट पीक पर ना आ जाए। और ये देखिए, हमारा क्रीम बिल्कुल सॉफ्ट पीक पर आ गया है। अब हम इसे टर्न करेंगे बाउल को, तो देखिए नीचे गिरेगा भी नहीं। इसका मतलब हमारा क्रीम बिल्कुल रेडी है। अब हमारा केक भी ठंडा हो गया है। इसके साइड्स को हम नाइफ से रिलीज कर लेते हैं ताकि निकालने में इसे इजी हो, और इसके ऊपर एक प्लेट रख कर टर्न कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर टैप कर देते हैं। अब केक टिन को ऊपर निकाल लेंगे, और ये देखिए हमारा स्पंज केक बिल्कुल रेडी है, और ये बहुत ही स्पंजी बना है। अब हम केक के ऊपर के थोड़े से पार्ट को हम काट कर हटा देंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए, केक हमारा बिल्कुल बराबर लगे। और अब मैंने केक के ऊपर के पार्ट को काट कर हटा दिया और बिल्कुल बराबर हो गया केक। और अब केक को हम 3 लेयर्स में काट लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप नाइफ से इवनली नहीं काट पाएंगे, तो मैंने अपने दूसरे वीडियो में बता रखा है केक को कैसे बिना नाइफ के भी इवनली काट सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम DIY टर्न टेबल बना लेते हैं। इसके लिए एक बारी वेसल को नीचे रखेंगे और ऊपर प्लेट रखेंगे, और रेडी हो गया हमारा DIY केक टर्न टेबल। और स्क्रैपर के लिए आप यूज कर सकते हैं इस तरह का कोई भी हार्ड प्लास्टिक, कड़ा प्लास्टिक आप यूज कर सकते हैं, या स्केल भी यूज कर सकते हैं। और क्रीम लगाने के लिए कोई भी स्पून या नाइफ से आप क्रीम को लगा सकते हैं। अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले नीचे हम क्रीम लगा लेंगे, व्हिप क्रीम, और उसके ऊपर केक का फर्स्ट लेयर रखेंगे। अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। 1 चम्मच पिसी हुई चीनी में 2 बड़े चम्मच पानी डालकर मिक्स कर लेंगे, और इस शुगर सिरप से हम केक को मॉइस्ट कर लेंगे। और इसके बाद अब हम ऊपर डालेंगे व्हिप्ड क्रीम, और इसे पूरे में हम व्हिप्ड क्रीम से इसे केक को कवर कर देंगे। अब हम ऊपर
पर नाइफ से थोड़ा इसे स्मूथ कर लेते हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे हम केक का दूसरा लेयर और इसे भी हम शुगर सिरप से मॉश्ट कर देंगे। शुगर सिरप डालने से केक काफ़ी मॉश्ट रहता है और इसके ऊपर भी हम क्रीम डालकर पूरा कवर कर देंगे और पूरे में क्रीम स्प्रेड करने के बाद अब हम उसके ऊपर रखेंगे केक का थर्ड लेयर और इसके ऊपर भी शुगर सिरप डालकर केक को मॉश्ट कर देंगे और फिर इसे भी ऊपर से हम क्रीम से कवर कर देंगे। अब इस हम साइड में भी क्रीम लगाकर कवर कर लेंगे। अब इसे हम स्क्रैपर से बराबर कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप स्क्रैपर के लिए हार्ड प्लास्टिक या स्केल का यूज कर सकते हैं और बराबर करने के बाद इसे हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद हम देंगे फाइनल टच। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ और आधे घंटे बाद अब हम इसमें देंगे फाइनल टच। अब इसके ऊपर भी फिर से हम क्रीम लगाएंगे और क्रीम को मैंने थोड़ा सा येलो टिंट देने के लिए इसमें येलो कलर डाल दिया है, इसलिए आपको क्रीम का कलर थोड़ा येलोइश दिख रहा होगा। आप कोई भी कलर डाल सकते हैं या बिल्कुल वाइट भी रख सकते हैं। और व्हिप्ड क्रीम से हम ऊपर और नीचे चारों तरफ अच्छे से लगाकर हम इसे स्मूथ कर लेंगे। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी केक की रेसिपीज और बिना किसी प्रोफेशनल टूल्स के केक को डेकोरेट करने की वीडियोज अपलोड की हुई है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब हमारा केक क्रीम से अच्छे से कवर हो गया है और बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब बारी है इसे डेकोरेट करने की। तो इसके लिए हम लेंगे एक स्पून और इसके बैक साइड से हम नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर देते हुए स्लैंट वे में हम इसे खींचते जाएंगे इस तरह से और पूरे में डिजाइन बना लेंगे। और नीचे पूरा होने के बाद इसी तरह से हम ऊपर भी बना लेंगे और ये बन गया देखिए इजी वे में। और इसके टॉप पर हम कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर या रियल फ्लावर से डेकोरेट कर देंगे। और अब मैं इसके ऊपर रियल रोज और कुछ लीव्स से इसे डेकोरेट कर देती हूँ और रेडी हो गया हमारा सिंपल एंड एस्थेटिक केक। और यहाँ पर मैंने केक की टॉप पर हाफ पार्ट में रियल रोज और लीव्स से डेकोरेट किया है और इसे बनाने में कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट या टूल्स की जरूरत नहीं पड़ी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो के नीचे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप कुकिंग।